घुटने के दर्द के बेहद सारे कारण है। सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है एसिड का बढ़ना। दूसरा है कि अब एसिड कैसे बढ़ रहा है। एसिड बढ़ रहा है एसिड युक्त खाना खाने से। जो भी आप खाना ऐसा खा रहे हैं जिसमें एसिड ज्यादा बढ़ेगा, अम्ल ज्यादा बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि आपको दर्द वाली समस्याएं बढ़ने लगेंगी। पेन किलर के अपने साइड इफेक्ट हैं। आपको श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगी, आपको नींद आने में दिक्कत हो जाएगी, त्वचा में चकत्ते पड़ने लग जाएंगे आपको, या खारिश और खुजली होने लग जाएगी। लंबे समय तक पेन किलर लोगे तो किडनी और लीवर पे और ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर शेरवाल कुमार नीरज से, जो कि प्राकृतिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर शेरवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका। डॉक्टर शेरवाल, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे टाइम में घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो घुटने का दर्द क्यों होता है, सबसे पहले आप हमें ये बताएं। घुटने के दर्द के बेहद सारे कारण है। सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है एसिड का बढ़ना। जो एसिड होता है जिसको हम अम्ल कहते हैं, तो वो जब डिपॉजिट होता चले जाता है तो घुटने की समस्या आने लग जाती है। दूसरे के अलग अलग जो ज्वाइंट पेन होते हैं तो दर्द बढ़ने लग जाता है। तो पहला तो ये कारण है। दूसरा है कि अब एसिड कैसे बढ़ रहा है। एसिड बढ़ रहा है एसिड युक्त खाना खाने से। जो भी आप खाना ऐसा खा रहे हैं जिसमें एसिड ज्यादा बढ़ेगा, अम्ल ज्यादा बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि आपको दर्द वाली समस्याएं बढ़ने लगेंगी, है ना। हमारा जो शरीर है उसमें हमें अल्कलाइन की जरूरत है, क्षार्य की जरूरत है। 70-80% हमें क्षार्य खाना खाना चाहिए और 20-30% हमें एसिडिक खाना खाना चाहिए। अगर हम 100% भी अल्कलाइन खा रहे हैं, क्षार्य खा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, ज्यादातर लोग 100 के 100% ही एसिडिक खाना खा रहे हैं। तो ये सब कारण है कि घुटने की समस्याएं, जो दर्द बढ़ रहा है वो एसिड की वजह से बढ़ रहा है। एसिड फॉर्मेशन बार बार डिपॉजिट हो जा रहा है, तो ये समस्या है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ठंडे गर्म पानी की शिकाय कर लेते हैं। ये अति सरल उपाय है, लोग उपाय खोजते हैं, नुस्खे खोजते हैं। तो घर में जब आप नहाते हैं, नहाते वक्त आप 2 बाल्टी ले लीजिए। जैसे मेरे सामने एक बाल्टी है, इसमें गर्म पानी कीजिए, खूब गर्म पानी हो, लेकिन गर्म पानी इतना हो कि वो सह सको, आप जला मत लेना। तो इतना गर्म पानी रखिए आप, और एक बाल्टी और ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए या बोना ले लीजिए, जैसे मेरे सामने है ये, इसमें ठंडा पानी रखिए। तो एक में ठंडा पानी और एक में गर्म पानी, ठंडा पानी भी खूब ठंडा, जिसको आप सह सको। फिर क्या करना है, फिर आपने सबसे पहले गर्म पानी से मग भरा, जैसे मेरा घुटना है तो मग भर के तो गर्म पानी डालिए उसमें। सपोज आपने 16 सेकंड के लगभग धीरे धीरे करके घुटने पे डाल दिया, फिर उसके तुरंत बाद आप ठंडे पानी का मग भरा और फिर धीरे 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 करके घुटने पे डाल दिया। ये कितनी देर करना है, 8 सेकंड करना है। फिर गर्म पानी का मग भरा दोबारा से, फिर गर्म पानी का धीरे धीरे करके 16 सेकंड डाल दिया, फिर ठंडे पानी का तुरंत बाद ठंडे पानी से भरा, धीरे धीरे 8 सेकंड डाल। तो गरम ठंडा करना है, इसमें सिकाई करनी है इसकी। 16 सेकंड गरम पानी से करेंगे, 8 सेकंड ठंडे पानी से, आधा देर उसका, ये एक अंदाजन है। तो ऐसा करने पे आप देखेंगे कि आपके जो घुटने में जो दर्द हो रहा है उसमें आपको रिलीफ मिलने लगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कारण क्या है, इसका विज्ञान ये है। गर्म से चीजें फैलती हैं और ठंडे चीजें सिकुड़ती हैं। तो तब आप ऐसा कर रहे होते हैं, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज होने लग जाता है, रक्त संचार, और जब ऐसा होता है तो टॉक्सिन्स रिलीज होने लग जाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इनहेंस होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, तो आपके जो दर्द में रिलीफ मिलने लग जाता है। तो आप ऐसा अगर करेंगे डेली, रोजाना करेंगे, तो आपको आराम मिलने लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, क्या करोगे, दवाइयों के चक्कर में पड़ जाओगे, आयुर्वेदिक की दवा, होम्योपैथिक की दवा, यूनानी की दवा, एलोपैथिक की दवा, तो क्या होगा, सबसे पहले तो पेन किलर लोगे आप। पेन किलर के अपने साइड इफेक्ट हैं। आपको श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगी, आपको नींद आने में दिक्कत हो जाएगी, त्वचा में चकत्ते पड़ने लग जाएंगे आपको, या खारिश और खुजली होने लग जाएगी। लंबे समय तक पेन किलर लोगे तो किडनी और लीवर पे और ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपको समझने वाली बात है। तो फिर आप ऐसा करें तो आपको
अच्छा लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा कोई, और खाने पे नियंत्रण करें अपना, जिससे आपके एसिड फॉर्मेशन हो, ये इस्तेमाल। क्या मिट्टी की पट्टी भी लगाई जा सकती है घुटनों पर? बिल्कुल बेहद लाभ करेगी, दर्द के समय में जहां भी दर्द है उसमें मिट्टी की पट्टी लगाएं, लेकिन गर्म करके लगाएं। जैसे आप कहीं से भी किसी मैदान से, जहां खुला मैदान हो, जहां पे गंदगी ना हो और कूड़ा करकट ना हो, और जहां पे केमिकल युक्त खाद ना डाली हुई हो, यूरिया डीएपी ऐसी चीजें ना डाली हुई हो, वहां से 3-4 फीट मिट्टी अंदर से खोदी है और उसको 8-10 दिन धूप लगाई है, थोड़ा सा कूट लीजिए किसी पत्थर वगैरह से, तो कूटने के बाद उसको बिल्कुल बारीक कर लीजिए और धूप लगाइए बहुत अच्छे से। धूप लगाने के बाद इतनी सी मिट्टी ले लीजिए, उसको रात भर में ऐसे भगोने में हमने डाल दी, तो ऊपर से थोड़ा पानी डाल दिया, वो फूल जाएगी। सुबह उठ करके उसको आटे की तरह गूंद लीजिए, गूंदने के बाद आप उसको भगोने में गर्म कीजिए अच्छे से, थोड़ा सा पानी डाल के गर्म कर लीजिए, गर्म मिट्टी की पट्टी, क्योंकि दर्द में हमें गर्म मिट्टी की पट्टी का इस्तेमाल करना है, ठंडी मिट्टी की पट्टी का इस्तेमाल नहीं करना। तो आप गर्म कर लीजिए उसको, मिट्टी को अच्छे से, फिर एक कपड़े पे उस मिट्टी को बिछा लीजिए थोड़ा सा, जितना आपका घुटना है उस तरह से, और थोड़ा सा इस मतलब 1 इंच की मोटाई के उसमें रखिए उसकी मोटाई, और इस तरह से गोल के साइज में मतलब उसको रख लीजिए रोटी की तरह, और एक कपड़े पे रख करके फिर अपने घुटने में रख लीजिए और लेट जाइए। तो 10-15 मिनट ऐसे मिट्टी की पट्टी रखेंगे तो आप देखें कि आपको बेहद लाभ मिल रहा है, आपको जो दर्द है वो सारा मिट्टी खींच लेगी, और जो गर्माहट है उससे सिकाई हो जाएगी मिट्टी इसकी आपके घुटने की, तो आपको इसमें बेहद लाभ मिलेगा। भूल के भी ठंडी मिट्टी का प्रयोग ना करिए, ठंडी मिट्टी के प्रयोग करने से तो आपका दर्द और बढ़ जाएगा, ये समझ लीजिए। डॉक्टर नीरज, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इंसान की? मतलब क्या खाना पीना चाहिए या किस टाइम क्या काम करना चाहिए घुटने में दर्द होने पर? घुटने में दर्द व्यक्ति को है, निर्भर करता है कि जो व्यक्ति है उसको ये शुरुआती, अभी शुरुआत चल रही है उसकी मरीज की, या फिर वो 10-20 साल से रोगी है घुटने के दर्द का, ये निर्भर करता है। लेकिन जैसा भी हो हम समझा देते हैं कि व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए, पानी गुनगुना पीना चाहिए, और शाम को जल्दी सो जाना चाहिए, और पूरे दिन भर में वो 3 बार ही खाना खाए। खाने में क्या खाए? खाने में वो चीजें खाए जो क्षार रहे हैं। क्षार रहे क्या है? क्षार रहे है प्रकृति में मिलने वाली चीजें, जैसे कि फल, सभी प्रकार के फल क्षार रहे हैं, सभी प्रकार की सब्जियां क्षार रहे हैं, सभी प्रकार की दालें क्षार रहे हैं। कैसे? अगर आप फल को वैसे ही उसी रूप में खाते हैं वो क्षार रहे होती हैं, चाहे वो कोई भी फल हो। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं केला खाने से तो दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, मैं पहले भी बताया गया आयुर्वेद नहीं है, ये प्राकृतिक चिकित्सा है, जब आप कर ऐसे खाएंगे तो आपको फायदा करेगा। ये भूल ये ना समझे कि केला खाने ठंडा होता है तो नुकसान कर जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा। दूसरा है फिर सब्जियां खाएंगे, सब्जियां जितनी भी सब्जियां हैं, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, कद्दू, पपीता, गाजर, मूली, शलजम, जो भी है, चुकंदर, वो सब आप भरपेट खाइए कच्चा, वो क्षार है, अल्कलाइन है। एसिडिटी जो आपको बन रही है, एसिड फॉर्मेशन जो आपको डिपॉजिट हो रखा है आपके घुटने में, जिससे दर्द हो रहा है या और भी कोई ज्वाइंट पेन है, वो धीरे 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 करके बॉडी से बाहर निकलते चले जाएगा। दालें, दालें आप अगर आप पका के खाते हैं वो एसिड फॉर्मेशन में बदल जाती है, एसिड में बदल जाती है, तो आप उनको अंकुरित करके खाइए, कच्चा अंकुरित जो होता है, जैसे मूंग की दाल को, साबुत मूंग की दाल को, छिलके वाली मूंग की दाल को अंकुरित कर लीजिए, वो आप अल्कलाइन है, क्षार रहे हैं, आप उसको गैस पे रखते हैं सारे एसिडिक होने लग जाएगी आपके संपर्क में आती है। ऐसी जो दूसरी दवा डाले तो आप देखें कि आपकी बीमारी में लाभ नहीं होगा, सारा एसिड जो जमा हुआ था, डिपॉजिट था आपकी बॉडी में, धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगा, और आपका जो घुटने का दर्द है उसमें आराम मिल गया आपको। बाकी जो चीजें हैं, पैकेट फूड है, रिफाइंड फूड है, जंक फूड है, फैक्ट्री में से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं बंद करके, ये सारी चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाय बंद कर दीजिए, चीनी बंद कर दीजिए, नमक बंद कर दीजिए, तो आप देखें कि आपके घुटने में दर्द में आराम मिलेगा। डॉक्टर नीरज, कहते हैं कि लहसुन की 2 कलियां सुबह उठकर खा लेने से भी घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कुछ हद तक आराम मिल जाएगा, क्योंकि एसिड जो जमा हुआ है शरीर में, हम वो लगातार खाना ऐसा खा रहे हैं जिससे एसिड जमा हुआ, उस पे हम ध्यान ना दे करके सिर्फ लहसुन की कली पे ध्यान दें तो बात नहीं बनने वाली। एसिड जिससे जमा हुआ है, जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी 70-80% या 90% हम अल्कलाइन खाएं, 100% भी खाएं,
तो बहुत सोने पे सुहागा है। लेकिन लोग 100 के 100% तो एसिडिक फॉर्मेशन वाला खाना खा रहे हैं जिसमें एसिड ही एसिड है। सारा खाना पका हुआ खा रहे हैं, दालें हैं, छोले हैं, भटूरे हैं, समोसे हैं, सब खाना एसिड बनाता है, मैदे की बनी हुई चीजें हैं। तो ये ना बदल करके इस खाने को तो चेंज नहीं करेगा व्यक्ति, और खाली एक लहसुन की कली क्योंकि आयुर्वेद के मुख से है या चैनल से हम देखते हैं या डॉक्टर्स के मुंह से भी सुनते हैं कि इससे ऐसा ठीक हो जाएगा, तो मात्र लहसुन की गोली खाने से आपके घुटने का दर्द नहीं होने वाला, क्योंकि आप खाने पीने में चेंजेस करिए, एसिड बाहर निकालिए, जिस एसिड बन रहा है उसको ठीक कीजिए, फिर उसके बाद आप लहसुन की कली लेंगे तो अच्छा। क्या योग आसन प्राणायाम करना चाहिए ऐसे में? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत फायदा होगा। जो एंटी रूमेटिक एक्सरसाइज है, एंटी रूमेटिक एक्सरसाइज में जो सूक्ष्म व्यायाम जिनको हम कहते हैं, हर अंग के अलग अलग व्यायाम होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं। जैसे ये हाथों के तो ज्वाइंट्स का ऐसे कर रहे हैं हम, उंगलियां को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, गर्दन है तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम, आगे पीछे कर रहे हैं हम, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये हर ज्वाइंट्स की एक्सरसाइज है, एंटी रूमेटिक एक्सरसाइज कहते हैं इनको, योगासन में सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं इनको। तो घुटने के जो दर्द है तो उनके जो व्यायाम है तो ये सब आप करिए तो आपको बेहद लाभ मिलेगा। प्राणायाम है उसको आप करेंगे तो बेहद लाभ मिलेगा, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन नेचुरल ऑक्सीजन जो एयर है वो जाएगा, जनरल वाला ऑक्सीजन नहीं, वो तो सिंथेटिक है, वो तो केमिकल है, वो आपको और ज्यादा नुकसान करेगा। अभी हम इस एयर की बात कर रहे हैं, प्राणवायु की बात कर रहे हैं, तो वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, प्राणवायु को अंदर ज्यादा रखने में सक्षम होगा आपका शरीर, क्योंकि जब आप डेली रोजाना प्राणायाम योगा करेंगे, एंटी रूमेटिक एक्सरसाइज करेंगे, तो ब्लड फ्लो तेजी से पूरे शरीर में जाएगा, ऑक्सीजन तेज हो जाएगा उसमें, हर जगह अंग अंग में जाएगा, और इन चीजों से आपको जो दर्द में आराम मिलेगा वो बेहद फायदेमंद होगा, जिसका कोई नुकसान नहीं होगा। दवाइयों के पीछे पड़ जाएंगे, खाना पीना ठीक नहीं करेंगे, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। डॉक्टर नीरज, आप हमसे जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।